अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। इस वक्त हम जो जलना इलाका है वहाँ पर मौजूद है और डेलीवेरी जो लिमिटेड है ये कुरियर कंपनी है जो किश्तवाड़ में काफ़ी अरसे से जो है वो काम कर रही है। आज किश्तवाड़ पुलिस और मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर आया और इस कंपनी से जो है कुछ ऑनलाइन ड्रग्स जो है वो परचेज़ करके जो है वो किश्तवाड़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। जो एक ड्रग पेडलर्स का नेक्सस था वो इस ऑनलाइन कंपनी का एक ऑनलाइन कंपनी जिसका नाम जी लेब यानी कि जी पार्मा कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका इस्तेमाल करके वहाँ से जो है ये ड्रग्स परचेज़ करके जो टेबलेट्स होती है जो बैंड मेडिसन्स जो है जो यानी कि जो मार्केट में बगैर प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ बगैर अथॉरिटी के जो है वो कोई बेच नहीं सकता है वो ड्रग्स जो है वो किश्तवाड़ में पिछले 2 साल से आ रहे थे। इस पर किश्तवाड़ पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली और फिर कोर्ट से जो है वो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से एक वारंट लेकर जो है वो आज किश्तवाड़ पुलिस यहाँ आई इस कुरियर कंपनी में यहाँ सर्च की और यहाँ पर कुछ पैकेट्स जो है वो ड्रग्स के जो है वो बरामद किए हैं और साथ में जो इस कुरियर कंपनी का मैनेजर है उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। जबकि जी लेब यानी कि जी पैरा कंपनी जो कि मेडिसन्स ऑनलाइन जो है हिंदुस्तान भर में सप्लाई करती है उसके खिलाफ भी जो है वो FIR लगाई गई है। अभी तक जो SSP खुद यहाँ पर स्पॉट पे आए थे SSP किश्तवाड़ खलील अहमद कोसवाल, उन्होंने हमसे बात भी की, वो हम आपको आगे चलकर जो है वो अगले वीडियो में दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि 7 के करीब जो है लोग उसमें अभी तक अनआइडेंटिफाइड हो चुके हैं और अब पुलिस जो है वो ट्रांजैक्शंस जो है वो मॉनिटर कर रही है, उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कितना पैसा जो है जो जी लेब यानी जी पार्मा है उसको ट्रांसफ़र जो है वो हुआ है। क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ जो है वो किश्तवाड़ में काफ़ी अरसे से जो है वो कड़ी कार्रवाई चल रही है, खासतौर पर जब से SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं उसके बाद जो है वो इस कार्रवाई ने जो है एक पेस पकड़ी है और जो हमारे नौजवान इस लत में जो है वो जो डूबे हुए थे उनका एक तो रिहेबिलिटेशन भी हो रहा है और जो साथ में ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, वो अंदर भी हो रहे हैं और उनको PSA में भी जो है वो बुक किया गया है। यहाँ तक कि कुछ औरतें भी जो थी वो भी जो है इस दौरान पकड़ी गई और उन पर भी जो है वो नज़र रखी जा रही है और साथ में जो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट का भी जो है वो एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन आज इसकी एक नई कड़ी जो है वो सामने आई जब ऑनलाइन ड्रग सप्लाई रैकेट जो है किश्तवाड़ में जो चल रहा था काफ़ी अरसे से उसको जो है यहाँ पर क्रैक किया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। जबकि जो लोग इसमें आइडेंटिफाइड हुए हैं उनके घरों में भी जो है वो रेड करके उनको जो है टीमें जो है वो कंस्टिट्यूट की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो रही है यहाँ पर। अभी इसमें क्या डिटेल्स आगे चलकर आएंगे वो हम बता तो देंगे ज़रूर, लेकिन मैं बता दूं कि ये इस तरह की पहली कार्रवाई है जम्मू कश्मीर में पुलिस की द्वारा कि एक ऑनलाइन जो मेडिसिन कंपनी जो मेडिसिन सप्लाई करती है लोगों को ऑनलाइन और सस्ते दामों पर उसके खिलाफ जो है वो आज पहली बार कार्रवाई हुई है। और अब अगला जो नेक्स्ट स्टेप है अब जो देखेंगे कि जो ये पेडलर्स थे ये कौन कौन जो थे जो ऑनलाइन मंगाते थे और पेमेंट का मोड जो है वो किस तरह था, किस अकाउंट में गया और जाहिर सी तौर से बात है कि जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा उस अकाउंट को भी जो है वो फ्रीज किया जाएगा। अभी इसमें काफ़ी जो है वो कानूनी दाव पे जो है वो आगे चलेंगे, लेकिन इस वक्त SHO किश्तवाड़ की जो सर टीम और नायब तहसीलदार किश्तवाड़ शोएब परवेज जो है वो हमारे पीछे मौजूद है और आप देख सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पिंटू जी भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, SHO खुद मौजूद है, नायब तहसीलदार मौजूद है और यहाँ पर इस वक्त सीलिंग की कार्रवाई जो है वो चल रही है। जो कंसाइनमेंट आई है उसको जो है वो चेक किया जा रहा है और हालांकि जिसका इनपुट मिला था वो चीज़ रिकवर हो चुकी है और ये बात साबित हो चुकी है कि जो ये ड्रग्स है उसको जो है वो एक सिस्टम के तहत भेजा जा रहा था, तभी जो है वो SSP की डायरेक्शन पे जो है इस कंपनी का जो मैनेजर है डेलीवेरी लिमिटेड जो ये कंपनी है कुरियर कंपनी है इसके मैनेजर को भी जो है वो अरेस्ट किया गया है। जबकि इसके जो डिलीवरी बॉयज हैं उनसे भी जो है वो पूछताछ की जा रही है और बताया ये जा रहा है कि डिलीवरी बॉय जो है किन एड्रेसेस पर किन लोगों को जो है वो डिलीवर कर रहा था वो भी जो है वो देखने की बात है। और साथ में क्योंकि यहाँ पर CCTVs भी लगे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर इनको जो है वो CCTV सिस्टम भी लगा हुआ है, जो लोग यहाँ ये डिलीवरी लेने के लिए आए हुए थे उनको भी जो है इस CCTV फुटेज इसके से जो है वो उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उस फुटेज को भी जो है वो शायद पुलिस और जो मैजिस्ट्रेट है उस फुटेज को भी जो है वो डंप रखेंगे ताकि जो लोग यहाँ पर आए हैं और जो ये सस्पेक्ट आए हैं उनके खिलाफ वाटर टाइट केस जो है वो बनाया जाएगा जो लोग इस ऑनलाइन ड्रग रैकेट में जो है वो मुलविस है। अब
अभी किश्तवाड़ के लोगों के लिए यही खबर है कि किश्तवाड़ पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है ऑनलाइन ड्रग रैकेट को जो है यहाँ पर बस्ट किया है और इसमें कई गिरफ्तारियां जो है वो आगे कुछ घंटों में जो है वो होने जा रही है। अभी सिर्फ जो एक गिरफ्तारी हुई है वो जो इस कंपनी का जो कोरियर कंपनी का मैनेजर है उसकी हुई है। अभी देखना होगा कि इसमें क्या क्या जो है वो आगे चलकर जो है वो पुलिस एक्शन लेती है। इसमें एफ आई आर नंबर 116/2023 जो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में जो है NDPS एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर की जा चुकी है और उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस पर्पस के लेकर जो एक्ट है वो भी जो है वो इन्वोक किए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये केस जो है वो आगे चल चल कर जो है वो एक बहुत बड़ा केस बनने जा रहा है। और जो एक मैं बता दूँ कि इससे जो है जो ये रैकेट बस्ट हुआ है इससे काफ़ी नौजवान लोग जो कि ड्रग पेडलर्स जो यहाँ के नौजवान लोगों को खासतौर पर स्कूली बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को नशा का शिकार बनाते थे वो जो है वो बचेंगे और जो माँ बाप है उनके लिए जो है वो राहत की सांस जो है वो ले सकते हैं। लेकिन माँ बाप की भी ये जिम्मेवारी बनती है, हम बार बार बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों को चेक करें उनके साथ कैसा कौन फ्रेंड है, किस तरह का नेचर है उसका, उसका फ्रेंड कौन है, वो कहाँ जाता है, घर में अगर वो अकेले कमरे में बैठता है तो क्यों बैठता है, वो दिन भर कहाँ गायब होता है, वो रातों को कहाँ होता है। माँ बाप को जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है इससे पहले कि आपका बच्चा ड्रग्स में मुलविस हो जाए और पुलिस जो है वो कभी आपके घर दबिश देकर पूरे मोहल्ले में आकर जो है आपके बच्चों को जो है उठा कर ले। और फिर जिस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो आजकल ड्रम बीटिंग भी करती है, फिर आपके मोहल्ले में भी जो है वो ड्रम बीटिंग होगी, बच्चे का नाम आएगा, उसके पेरेंट्स का नाम जो है लिया जाएगा। अगर आप उस शर्मिंदगी से और उस कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों को जो है वो देखें, उनकी रखवाली करें। अगर कोई बच्चा आपका ड्रग में जो है मुब्तला हो चुका है, यहाँ पर ड्रग डिटेक्शन सेंटर है जिसका आज ही सुबह SSP किश्तवाड़ ने दौरा किया था, आप वहाँ पर उसको भर्ती कर सकते हैं, उसका इलाज जो है वो कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जो है वो बसर कर सकता है। इससे पहले कि पुलिस उसको जो है वो पकड़ ले, मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो है वो ड्रग डिटेक्शन सेंटर में लाइए, पुलिस के पास लाइए ताकि उसकी काउंसलिंग होगी और उसका इलाज जो है वो मुमकिन किया जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।